नमस्कार दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ समग्र शिक्षा अभियान या फिर आपका ये समग्र शिक्षा योजना के बारे में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा, योजना किन तरह से मिलकर बनी हुई है और किस तरह से ये काम करेगी, साथ में इसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये योजनाएं तीन तरह की योजनाओं से मिलकर के बनी है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान और एजुकेशन टीचर को, इन तीनों को मिला करके इस योजना को बनाया गया है। तो इस योजना को पूरे डिटेल में जानेंगे। अगर आप किसी छात्र के जो 1 से लेकर के 12 तक पढ़ता है उसके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर आप खुद छात्र हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कीम्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो इन सभी के लिए है जिन जिन के बारे में मैंने बताया। पे कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए जान लेते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा योजना क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आप लोग बताया कि ये योजना तीन योजनाओं को मिलाकर के बनी है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और साथ में टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे तीनों को मिलाकर के एक कंप्लीट शिक्षा यानी कि एक कंप्लीट अच्छा आउटकम, एक अच्छा एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की गई है। और साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि हम 1 से 12 तक के प्राइमरी के स्टूडेंट या फिर सेकेंडरी के स्टूडेंट, उनको फ्री में एजुकेशन देने की पूरी प्लानिंग करेंगे। तो ये 2013 तक की पूरी प्लानिंग है। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों स्कीम को जो कि समावेश करके बनाया गया है, तो इन्हीं तीनों समावेशों को ध्यान में रखते हुए 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके जो कि ये कवर करेगा और बच्चों को बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को फोकस करने के लिए इसको रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन इन द सेंस कि आप लोगों के जो एजुकेशन मिल रही है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक का जो एजुकेशन मिल रहा है उसको डिजिटल कर देना, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड करना और साथ में स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड करना, जहां से टीचर को और साथ में छात्रों को उसके बारे में जानकारी दे सके, और साथ में डीटीएस सर्विस भी यहां पे अटैच करवाने का पूरा प्लान है इस डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों, यहां पे अब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की, जो दूसरा पॉइंट है यहां पे। तो क्वालिटी एजुकेशन केवल छात्रों के लिए नहीं, यहां पे शिक्षकों के लिए भी रखा गया है। क्वालिटी एजुकेशन के तहत जो भी संस्थाएं हैं, जो भी शिक्षकों को प्रशिक्षण करती हैं, वहां से इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा अच्छी तरीके से, डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है डिजिटलाइजेशन की तरफ से, और बच्चों को भी यहाँ पे जो कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, क्वालिटी आउटकम जो कि यहाँ पे दिया जाएगा इन शिक्षकों के द्वारा, इन शिक्षकों के आउटकम के द्वारा। दोस्तों, अब यहाँ पे तीसरी बात आती है स्ट्रेंथिंग ऑफ स्कूल, यानी कि यहाँ पे स्कूलों को मरम्मत कराना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले 3 सालों में सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, जो भी टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं उनको दोबारा से जो कि बनाया जाएगा, और साथ में यहाँ पे स्वच्छता अभियान को प्रेरित किया जाएगा, स्वच्छता अभियान विद स्वच्छ स्कूल, यहाँ पे इसको जो कि फोकस किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथी बात आती है फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन, यहाँ पे इसमें गर्ल के एम्पावरमेंट को जो कि इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में यहाँ पे उनकी सेल्फ डिफेंस की भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे बताया गया है कि अपर प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक इनको प्रोवाइड की जाएगी इस तरह की शिक्षा सेल्फ डिफेंस की, जहाँ से ये सेल्फ डिफेंसिव हो सकेंगी। साथ में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पिछले स्कीम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको भी इसमें समावेश कर दिया गया है, यानी कि इसको भी इस अभियान में मिला दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पांचवी चीज आती है फोकस ऑन इंक्लूजन, फोकस ऑन इंक्लूजन इन द सेंस कि यहाँ पे बच्चों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना, उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, और साथ में इसके लिए एक बजट भी निकाला गया है। जैसे कोई भी बच्चा है तो उसकी स्पेशल नीड्स होगी तो पर साल के लिए 3,000 से 3,500, और लड़कियों के लिए इसी में 200 रुपए एक्स्ट्रा जो कि उनके स्पेशल नीड्स के लिए निकाले गए हैं, यानी कि उनके इंक्लूजन के लिए निकाले, साथ ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे बुक और साथ में उनको ड्रेस, तो ऐसी कई सारी चीज जो कि उनकी जनरल नीड की है यहाँ पे उनको प्रोवाइड करी जाएंगी फोकस ऑन इंक्लूजन के तहत। अब दोस्तों, यहाँ पे जो छठी बात आती है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों जैसे कि हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन है, आप हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट को इस स्कीम के तहत यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बढ़ाया जाएगा। और साथ में ये स्किल डेवलपमेंट केवल बच्चों के लिए ही नहीं, साथ में टीचरों के लिए भी, ये जहां भी ये संस्था में एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जहां से भी प्रशिक्षण लेते हैं वहां पे टीचरों के लिए भी ये अभियान चलाया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट यानी कि वो बच्चों के साथ अच्छे
से कम्युनिकेट कर पाए और इन चीजों को समझ करके बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पाए। तो दोस्तों यहाँ सातवीं चीज के बारे में बात कर लो, यहाँ पे फोकस्ड ऑन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा और साथ ही सारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स की चीजें हैं, जो भी इक्विपमेंट है, वहां पे इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत वहां पे प्रोवाइड करी जाएंगी, चाहे वो टीचरों के लिए हो चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो। ये आपको बता दूं कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक ये सारी चीजें जो कि प्रोवाइड करी जाएंगी इन सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आखिरी ऑब्जेक्टिव है जो कि फोकस ऑन रीजनल बैलेंस, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन उन जगहों पे पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है जहाँ पे एजुकेशन नाम मात्र है। जैसे कई सारे बॉर्डर के एरिया हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है सही तरीके से, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को शामिल करके एजुकेशन देना। साथ में कुछ ऐसे 115 डिस्ट्रिक्ट लिस्टेड किए गए हैं जहाँ पे एजुकेशन एरिया या फिर कह लीजिए एजुकेशन क्षेत्र आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी सीमित तरीके में है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को पहुँचा करके समग्र शिक्षा अभियान के तहत लोगों को और साथ में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, उनकी पूरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी रीजनल बैलेंस के तहत। तो दोस्तों ये सारे 8 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है तो आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हुए क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में हैं तो आप लोग सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और साथ ही इसका मेनली फोकस किया गया है एजुकेशन को फ्री करने के लिए, सही क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और साथ में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और भी कई सारी चीजें जो कि मैंने आप लोगों को बताई इन 8 पॉइंट्स में, इन 8 ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि आप लोगों को जानना काफी जरूरी था। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज आप इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी नई स्कीम है, नई योजना है, तो लोगों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो दूसरे यूपीएससी के छात्रों के साथ इसको शेयर करें, हो सकता है कि आप लोगों के इंटरव्यू या फिर आप लोगों की जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनमें आप लोगों को हेल्प कर सके। और साथ ही आप लोग उनके साथ भी शेयर कीजिए, जो भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी इसके बारे में पता चले और वो अपने बच्चों के हक के बारे में एक बार जान सकें, और साथ में छात्रों के साथ भी शेयर कीजिए। यानी कुल मिलाकर के आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या फिर आप खुद से बता सकते हैं तो उनको इन सारी जानकारी के बारे में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और साथ में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, या फिर आप लोगों कोई सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोगों कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा आती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा कुछ इस तरह की और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।